भाई ने ले ली भाई केमिकल की बाल्टीन, अब ये डालेंगे और गिरा जी हम देखते हैं हम बाल्टीन लेंगे या ऐसे ही खुला होगी। भाई चाय भाई अपनी तो निकल रहे हैं, फिर अपन चलाएगा ये वाली गाड़ी और ये होगी दूसरे चाचू की, तो अपनी उस साइड है होना हो गया था, तो अभी मैं चला रहा हूँ भाई चाचू की गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीबू खान। आई होप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम इधर पहुंच आए थे, क्या बोलते हैं यूपी में, आगरा यूपी में पड़ता है, वहां पहुंच आए थे। तो अब भाई चाय वाय होगी अपनी, तो अभी देखते हैं आगे का सीन क्या रहता है। और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड इंस्टा पे फॉलो कर दें, तो ऐसे ही अपने दीबू भाई को अपनी सपोर्ट बनाए रखें। तो चलो आपका भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भाई व्लॉग करते हैं भाई। ये रहा जी यूपी, एंड ढाबे पे रुके थे, उधर बैठे नज़ीर भाई और शमीम भाई चाय पी रहे, दूसरी गाड़ियाँ आगे चली गई, वो आगे वेट कर रहे हैं, हमने थोड़ी गाड़ी की शो वो दोई। हाँ तो भाई फिर रुके थोड़ी सी ब्रेक के लिए, क्योंकि भाई कैश हो चुका है ख़त्म, एटीएम ढूंढ रहे थे, बहुत दूर से ढूंढते आए, हाल ही 400 रुपये बचे हैं भाई, सभी कैश ख़त्म हो चुका था। तो अभी शमीम भाई ने एटीएम किसी से पूछा कि किसी गली कोचे में इधर अंदर, तो गए एटीएम पे पैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई इस रोड पर बहुत ज़्यादा बॉर्डर आते हैं, हर 100 किलोमीटर के बाद कभी RJ बॉर्डर, कभी MP बॉर्डर, कभी UP बॉर्डर, ऐसा करके हर बॉर्डर पे 400 500 800 लगता रहता है। तो पैसे होने चाहिए अकाउंट में, बट अकाउंट में पैसे नहीं चलते हैं, ज़्यादा कैश हम रखते ही नहीं है पास, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रखते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैश हो के टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। तो चलो निकलते हैं फिर भाई। फिर निकले इधर से, तो अभी ढोलपोर में, तो दूसरी गाड़ियाँ आगे निकल गई हैं, तो वो आगे वेट करेंगे, तो आगे हम भी लेंगे भाई साहब। तो भाई टाटा गैराज के पास पहुँचे इधर, तो आगे दूसरी गाड़ियाँ भी रुकी हुई थी, तो आप डालेंगे भाई यूरिया BS6 में, आपको पता है यही पंगा है, तो आप पहले यूरिया डालते हैं फिर निकलते हैं आगे। फिर फरीद भाई ने ले ली भाई केमिकल की बाल्टीन, अब ये डालेंगे और गिरा जी हम देखते हैं हम बाल्टीन लेंगे या ऐसे ही खुला डालेंगे, मतलब ये होता है कंपनी का ऑरिजिनल वाला, तो गिरा जी है, तो शमीम भाई गए देखते हैं आप कैसे डालेंगे। तो हो गया भाई अपना यूरिया भी हो गया फुल, तो फिर इसी के साथ भाई इंटर हो गए RJ में, यूपी ख़त्म हो चुकी है, फिर RJ में इंटर हो चुके हैं, तो अब इसके बाद फिर हो जाएंगे यूपी में इंटर। तो भाई फिर रुके, फिर लग गए गाड़ी धोने, ये हम तो धो आए थे पीछे, तो ये शीशे वीछे धो रहे हैं फिर से, और ये अपना भाई ये भी धो रहा है। अरे भाई गाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं, ये कैमरे में आती ही नहीं है, तो अब दूर दूर से फोटो उठाना पड़ता है। दो भाई पूरी मेहनत से दो, मेहनत से दो। गाड़ी किसकी चमक रही है भाई, कमेंट में जरूर बोलना। तो भाई सभी कर रहे हैं शीशे वीछे साफ, तीनों गाड़ी वाला है दोनों, मतलब मैंने तो कर दिए थे पहले, हमने दो ही थी शो अच्छे से, तो ये अब कर रहे हैं साफ। तो भाई मेरी एक सलाह है भाई, सभी गाड़ियाँ लेना BS6 गाड़ी मत लेना, क्यों बाकी चलाने में सभी दमदार है, बट भाई इसमें खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा है भाई, केमिकल डालो पता नहीं क्या क्या डालो। तो चलो पहले आप फिर पीते हैं चाय, उसके बाद सब्जी लेते हैं कहीं, तो बनाते हैं सब्जी, आज दिन में खाना नहीं खाया तो कुछ मज़ा ही नहीं है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको इधर का व्यू शाम का टाइम, और ये जा रही है भाई माल गाड़ी, इसमें कोयला है भाई, कोयले वाली ट्रेन है ये। तो भाई सभी धो रहे थे गाड़ियाँ, तो मुझे भी सब्र नहीं हुआ, मैंने सोचा मैं अंदर डाल दूँगा पानी, थोड़ी अंदर सफाई करते हैं, क्योंकि अंदर कचरा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आता है फिर।
तो भाई रुके फिर अब गए शमीम भाई सब्जी लेने, तो मैं काट रहा हूँ अभी सब्जी। गाड़ी रुकी थी तो दूसरी गाड़ियाँ निकल गई आगे, वो जा रही हैं, तो मैं काटता हूँ तब तक प्याज, तब तक वो ले आएंगे सब्जी भी और बनाएंगे सब्जी भी। तो ग्वालियर पहुँचा है भाई, तो अभी रुके करते हैं टायर वायर चेक। खाना वाना बन गया अपना अच्छे से, मतलब सब्जी भी बना ली, चावल भी बना दिए, तो अब करते हैं टायर चेक, देखते हैं खाना आगे कहीं खाएंगे। अभी तो टाइम है अभी 8 ही बजे। हाँ तो भाई खाना वाना हो चुका है अपना अच्छे से, तो अभी 10:30 बज रहे, तो अभी फिर निकलेंगे यहाँ से। सब्जी में ना भाई मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उसी वजह से कंडीशन ख़राब होगी, तो अभी फिर निकलते हैं। देखते हैं गाड़ी शमीम भाई चलाएगा, नज़ीर चलाएगा, कौन ये पता नहीं। अभी तो चलो निकलते हैं सफ़र करते हैं। हाँ तो भाई निकल पड़े, फिर खाना वाना हो गया था, तो अभी मैं चला रहा हूँ भाई चाचू की गाड़ी, तो शमीम भाई भी सो गए, तो नज़ीर भाई चला रहे अपने वाली गाड़ी, तो चल रहे हैं, मैं अभी यही चला रहा हूँ। तो चाचू जी सोए तो एंड फरीद भाई जाग रहे, तो आगे आगे दूसरे चाचू चल रहे हैं, तो पीछे नज़ीर भाई आ रहे, तो सेंटर में अपन चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं, 2-3 घंटे तक चलाऊँगा मैं यही गाड़ी, उसके बाद जाऊँगा फिर अपनी गाड़ी पे। आज फुल नाइट ड्राइव करूँगा भाई बहुत दिनों के बाद फिर। तो भाई अभी तक MP में चल रहे थे, तो अभी इंटर फिर से हो गए UP में, तो अभी आगे आगे चल रहे हैं दूसरे भाई, तो मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ भाई, तो चल रहे हैं आराम आराम से भाई। यह भाई अपनी लाइफ, ड्राइवर लाइफ। तो 1 बजने वाले हैं रात के, तो चल रहे हैं भाई अंधेरी रातों में शमशान घाटों से, तो चलो ड्राइव कंटिन्यू है भाई। तो भाई 2 बजने वाले हैं, ललितपुर अभी यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो अभी रुके यहाँ पी के चाय पहले, क्योंकि नींद का मतलब इलाज यही है कि चाय पियो तो नींद चले जाए। तो होगी भाई चाय वाय अपनी, तो निकल रहे हैं फिर अपन चलाएगा ये वाली गाड़ी, और ये होगी दूसरे चाचू की, तो अपनी उस साइड है, तो निकले फिर। तो निकल पड़े फिर से भाई, तो अभी जाएंगे ललितपुर, पहुँचते हैं तो फिर भाई सो जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ से आगे कल, क्योंकि डीजल भी वहाँ ही डालना है। तो फिर रुके भाई थोड़े, देखते हैं क्यों रुके, ये पता नहीं है सोने को रुके या चाय पीने को रुके, अभी पता चलेगा। हाँ तो भाई 3:30 बज रहे, तो अब सोएंगे इधर ही, गाड़ी लगा दी ढाबे पे, तीनों 2 उधर तो तीसरी ये इधर, मैं सोऊंगा आज इसी गाड़ी में जो चला रहा था। तो मिलते हैं आपसे अब सुबह ही, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को भाई 3:30 बजे सो गए थे, तो अभी पहुँचे ललितपुर, अपना हो चुका है पार, तो अभी बज रहे भाई 10 बज रहे हैं अभी, तो सुबह 3:30 सोए थे, मैं तो वीडियो एडिट कर रहा था, फिर मैं 5 बजे सोया था, तो अभी मैं भी उठा, तो अभी होंगे फ्रेश फ्रूज, तो खाएंगे करेंगे ब्रेकफास्ट भाई पहले। एंड पराठा वराठा हो गया अपना, और पानी के लिए आया था भाई, अभी निकलेंगे फिर इधर से, तो चलो भाई राइड करते हैं कंटिन्यू। तो MP में हो गए भाई एंटर फिर, तो मौसम एकदम बढ़िया है भाई, धूप लगी हुई है, बहुत ही मस्त मौसम है।
व्यू देखो भाई क्या है। तो अभी हम एमपी में चल रहे हैं, अभी थोड़ा इस साइड पे रुके, टायर वायर करते हैं चेक। आगे आरटीओ बैठा है। ये रहा जी सागर एरिया, खेती बहुत बढ़िया होती है इधर, मौसम बहुत तकड़ा है इस टाइम। और अभी चल रहे हैं, आगे रुकेंगे फिर खाना वाना खाएंगे। हाँ तो गाइस सागर अपना हो चुका है पार, तो अभी यहाँ से आगे जाके आएगा लखनऊ दून कुछ ऐसा ही करके नाम है, तो उसके बाद आएगा नागपुर। तो अभी रुके इधर, आप पियेंगे चाय, तो टाइम हो रहा है 1 बज रहे, तो चावल भी बना देंगे, सब्ज़ी बनी हुई है। तो अगर आपको भाई किसी भी एंगल से व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। एंड इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, लव यू, खाते पीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लव यू ऑल, बाय बाय।